साहू जी चिकन करी बनाने जा रहे हैं, जो नागपुर का बहुत ही स्पेशल चिकन होता है ये, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत मसालेदार। और इसको चावल रोटी आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत ही फेमस डिश है ये नागपुर का, साहू जी चिकन करी के नाम से ही। वहाँ पे नॉनवेज के बहुत सारे डिश फेमस है। देखते हैं कि साहू जी चिकन करी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जी चिकन बनाने के लिए कुछ सूखे मसालों को भून लेते हैं। इसके लिए मैं एक चम्मच साबुत धनिया लूँगी, बिना तेल के इसे रोस्ट करना है। इसके बाद आधा टेबल स्पून सादा जीरा डाल के, एक टेबल स्पून सादा जीरा डाल देंगे, आधा टेबल स्पून सौंफ डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। जब ये सारे हल्के से भून जाए, अब हम इसमें थोड़े से गरम मसाला डाल देते हैं। दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, काली मिर्च मैंने 10-12 काली मिर्च लिया है, लौंग ये भी मैंने 10 से 12 लिया है, इलायची मैंने 5 लिया है, स्टार फूल, इन सबको एक बार हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बड़ी इलायची 1 लिया है मैंने। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे और 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। सूखी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालना है, तो आप अपने हिसाब से इसे ज़्यादा तीखा बना तो डालिए या फिर कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्राई चना दाल डाल देंगे, इसे पुटाना भी बोला जाता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। और ये थोड़ा सा मैं चावल डाल रही हूँ, इसे भी हम इसे सबके साथ रोस्ट करना है। साहू जी चिकन करी बहुत ही स्पाइसी मसालेदार बनता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसमें गरम मसाले बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम इसमें ये दगड़पू बोल के जो गरम मसाले में आता है वो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। और मैंने थोड़ा सा जायफल लिया है। अब ऑलमोस्ट हमारे मसाले भून चुके हैं, हम ये सब लो टू मीडियम आंच पे ही हमें भूनना है। अब हम इसमें ये सूखा नारियल डाल देंगे, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसे भी हम साथ साथ में भून लेते हैं। बस इसे हल्का सा ही भूनना है। अब इस समय हम गैस का फ्लेम पूरा बंद कर देंगे और इतना हीट है कि ये सब एक साथ अभी इतनी गर्म आंच पे सूखा नारियल भुन जाएगा, बस वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाना चाहिए। देखिए अब ये हो चुका है। अब इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में हमें ठंडा करके इसका एक पाउडर बनाना है, और गरम गरम नहीं बनाना है, इसे पूरी तरह से हमें ठंडा करना है, तभी हम इसे मिक्सी के जार में डाल के हमें इसे इसका मसाला तैयार करना है। सब्जी का ये मसाला आप ऐसे बहुत अधिक मात्रा में बना के भी खट्टा रख सकते हैं। अब हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून मैं तेल ले लेती हूँ, कुकिंग ऑयल है ये। तेल हमारा गरम हो जाएगा। तेल अब हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें, मैंने यहाँ पे 2 मध्यम आकार का मीडियम आकार का प्याज लिया है, इसे बारीक बारीक काट लिया है। इसे हमें हल्का सा फ्राई करना है। ये भी लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इसे भूनना है। अब हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अभी और भून लेना है, इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे फ्राई करके जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये नागपुर साउजी करी का बहुत ही स्पेशल टिप्स है ये।
बहुत तेज आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा और ग्रेवी में जलने की खुशबू आएगी या फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इसे लो टू मीडियम आंच पे ही हल्का हल्का भूनना है। अब हमारा प्याज भून चुका है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे भी पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाद में हम इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। इसे अब हम कूल डाउन के लिए रख देते हैं। अब हम इन मसालों को मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेते हैं। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें इसी मसाले में ये भुना हुआ ऑनियन डाल देंगे, प्याज साथ में एक बार फिर से हम पीस लेते हैं इन्हीं मसालों के साथ। और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके साथ हम पीस लेंगे, फिर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। इसे हम पीस लेंगे। अब हमारा मसाला तैयार है। मैंने मसाला पीसते समय थोड़ा सा पानी यूज़ किया था, अगर पानी लगता है तो डाल दीजिए, लेकिन कभी कभी पानी नहीं लगता है, पर मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी लिया था। अब हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। अब हम चिकन बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन लिया है। हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम यहाँ तेल ले लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। हमें हल्का सा ही इसे भूनना है तेल में, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा इसे पलटना है, इससे करी बहुत टेस्ट आता है करी में। इस टाइप का इसको पलट लीजिए। हल्का सा ही भूनना है, 4 से 5 मिनट के लिए ही हमें इसे भूनना है, लो टू मीडियम आंच पे इस तरह से। अब हमारा चिकन रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम 4 टेबल स्पून हम तेल ले लेंगे। साउथी चिकन करी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। मैंने 4 टेबल स्पून लगभग तेल लिया है। अब हम तेल गरम करते हैं। तेल अब हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम जो मसाला पीस के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से हम लो टू मीडियम आंच पे हमें इसे रखना है गैस को, और सारे मसालों को लो टू मीडियम आंच पे एक बार फिर से भूनना है इस तरह से। देखिए अब हमारा मसाला हल्का सा भुनने लग गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। हमने सूखी हुई लाल मिर्च भी हमने डाला था। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, पर नागपुर का साउजी करी में लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही तीखा होता है ये। इस समय गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम आंच पे ही रखना है, हल्के आंच पे ही इन सारे मसालों को भूनना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लो टू मीडियम आंच पे ही हमें भूनना है। इस तरह से अच्छे से भून लेना है।
वो सारे गरम मसाला स्पाइसी इसमें पड़ा है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें नारियल भी है, भुना हुआ प्याज भी है। सब्जी करी बहुत ही तीखा और थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा लगता है बाकी सब्जियों की अपेक्षा। यहाँ पे थोड़ा नागपुर में तेल ज़्यादा डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे हम इसे पकने देंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए अब हमारा मसाला बहुत अच्छा भून चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए मसाला इस तरह भुनना चाहिए कलर इसका। अब हम इसमें ये हमने हल्का सा जो भून लिया था चिकन, और इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। आँच इस समय भी लो टू मीडियम ही रहेगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसका कलर, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मसालेदार, खाने में बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और ये नागपुर में बहुत फेमस है सब्जी चिकन। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे। वाह, देखिए अब हमारा चिकन पूरी तरह से मसाले के साथ अच्छे से पक चुका है इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जिसमें हम मसाला पीसे थे उसी में थोड़ा सा मसाला रह गया था, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, वो पानी डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। ढक के हमें 5 मिनट लो टू मीडियम आंच पे पकने देना है। अब हम चेक कर लेंगे। वाओ, देखिए अब हमारा चिकन बन चुका है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, अच्छे से हो चुका है। देखिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, खाने में भी उतना ही टेस्ट है इसका, बहुत ही लजीज है ये। अब हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लीजिए अब हमारा सावजी चिकन करी बनकर तैयार है। खाने में बहुत टेस्टी है ये, बहुत ही लजीज है और बहुत मसालेदार है ये। रोटी चावल आप किसके भी साथ आप इसको खा सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा ये। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।